अनसीडेड डाटा को सीड करने के लिए सबसे पहले DBT ऐप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद DBT में जाइए, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद सबसे लास्ट में PFMS बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट पर क्लिक करना है। अनसीडेड आधार कार्ड बैंक पर क्लिक करना है। अगर आपको किसी बच्चे को संशोधन करना है तो एडिट वाले ऑप्शन में जाना है। सभी की डिटेल जो गलत हो उसमें गलत है तो लिखा हो, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए चेक पे क्लिक करें, कुछ गलत करना है तो नो पे करना है, ठीक। और सब डाटा देख लीजिए, अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे डाटा सर्वर पर सिंक करना है, ये देखिए आपका डाटा सर्वर पर सिंक हो गया।